हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि जैसे न्यू फ़ोन हम लोग लेते हैं उस फ़ोन में होता क्या कि जैसे हम लेके किसी के पास इस आदमी में से कॉल किए, कॉल करने के बाद जब हम रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं तो क्या होता है, वो बोलता आवाज़ बोलता है तो अगला पर्सन को भी आवाज़ जाता है तो वो समझता है कि मेरा रिकॉर्डिंग क्या कर रहा है, अगला पर्सन कर रहा है। तो उसे बंद करने के लिए हमें क्या करना होगा उसको हम लोग देखेंगे। यहाँ पर जाएंगे कॉल पर और यहाँ पर दिया गया है 3 डॉट, इस 3 डॉट पर हम क्लिक करेंगे और 3 डॉट पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो आएंगे वो कॉल हिस्ट्री और सेटिंग आएंगे। तो इस सेटिंग पे हम क्या करेंगे, एक बार क्लिक कर देंगे। एक बार क्लिक करने के बाद उसके बाद क्या आएंगे, थोड़ी सी स्क्रॉल करेंगे ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ जैसे हम स्क्रॉल करेंगे तो एक आएगा कॉल रिकॉर्डिंग। इस कॉल रिकॉर्डिंग पर हम एक बार टच करेंगे। एक बार टच करेंगे फिर थोड़ी सी स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर दिया गया प्ले ऑडियो टोन, इसमें टिक लगा देना है। ये ऐसे रहेगा, अनटिक रहेगा, हम अपना बंद कर दिए हैं इसलिए इस पर टिक है, तो इसको टिक कर देंगे। और टिक करने के लिए उसके बाद क्या आएगा, यहाँ पे एग्री पे क्लिक कर देंगे तो ये टिक हो जाएंगे। अब आप करेंगे तो वो अगला पर्सन को रिकॉर्डिंग नहीं सुनाई देगा। अगर इसे अगर सुनाई देने वाला आपको अनटिक पे हमने जाते हैं और यहाँ से इसको हम अनटिक कर देते हैं और फिर हम इसको देखते हैं। अब कॉल करेंगे तो अगला पर्सन को सुनाई देगा, जैसे कि हमने उसको कॉल किया एक तो ऐसे हम इसको करके फिर यहाँ जाएंगे 3 डॉट पे और उसे फिर रिकॉर्ड पे जाएंगे और फिर यहाँ से जाकर इसको टिक कर देंगे, एग्री कर देंगे, फिर वो स्टॉप हो जाएंगे। फिर यहाँ से ऐसे हम करके इसका रिकॉर्डिंग को हम क्या कर सकते हैं।